हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम आपको 3 BHK का फ्लैट दिखाने के लिए आए हैं जो कि 1435 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और ये सरिस्ताबाद 70 फीट में है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको फ्लैट की पूरी जानकारी मिल सके। ये देखिए, ये आपका मेन एंट्रेंस गेट हो गया। एंट्रेंस गेट के बगल में आपका स्पेस दिया हुआ है जो कि आप बोर्डर वगैरह का काम करा सकते हैं, यहाँ पे सुअर स्टैंड वगैरह लगवा सकते हैं। और ये आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। ड्राइंग हॉल के स्पेस की बात करेंगे तो 14x10 का आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। ये देखिए, चौदह बाई दस का आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्लैट है, फिनिशिंग हो रही है इसका, आपको 1 महीने में कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। और ये कंप्लीटली ड्राइंग हॉल एक रूम की तरह है जो कि सेपरेट एकदम ड्राइंग हॉल है। यहाँ पे आपका गेट वगैरह दिया हुआ है, गेस्ट वेस्ट बैठते हैं तो आप दरवाजा लगा के एकदम सेपरेट कर सकते हैं। और यहां से आपका डाइनिंग हॉल का स्पेस शुरू हो रहा है। डाइनिंग हॉल के स्पेस की बात करें तो 17x8 का आपका डाइनिंग हॉल का स्पेस है, बिल्कुल ही लाइटेड और हवादार है। ये देखिए, सामने खुला हुआ है, यहाँ पे विंडो वगैरह लग के आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक का वर्क किया हुआ है, सिर्फ प्लम्बर का काम बाकी है। ये देखिए, पटना जंक्शन से मात्र 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पे है, 70 फीट आप अगर राधा कृष्ण मंदिर के पास ये फ्लैट है। ये देखिए, ये आपका कॉमन स्पेस है यहाँ पे। और यहां से ये देखिए, आपका ये कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। ये किचन का एरिया हो गया। किचन के स्पेस की बात करेंगे तो 8x6 का आपका किचन का एरिया हो रहा है। ये देखिए, आपका इलेक्ट्रिक वर्क किया हुआ है, सारा चीज लगा हुआ है, लगभग फाइनल स्टेज पे फ्लैट है। और ये आपका पहला बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की साइज की बात करेंगे तो 12x11 का आपका बेडरूम है। ये देखिए, ये आपका विंडो का स्पेस है। ये कॉर्नर फ्लैट है, साउथ वेस्ट कॉर्नर फ्लैट है जो कि आपका 3 BHK का 1435 स्क्वायर फीट में बना हुआ फ्लैट है। ये आपका सरिस्ताबाद जो बाईपास है, पटना बख्तियारपुर फोर लेन से मात्र 800 मीटर का डिस्टेंस पे है। और यहां से पटना डोभी फोर लेन मात्र आपका 500 मीटर की डिस्टेंस पे पटना डोभी फोर लेन होने जा रही है। और नथुपुर गोलंबर यहां से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होने जा रही है। और पटना बक्सर फोर लेन यहां से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे निकल रही है। देखिए, आपका दूसरा बेडरूम हो गया। दस बाई बारह का ये रूम है, आपका बेडरूम है जिसमें आपका विंडो भी दिया हुआ है। और ये एक बालकोनी का एरिया है। ये देखिए, बारह बाई 3.5 का आपका बालकोनी का एरिया है। और ये 100% रेसिडेंशियल एरिया। ये देखिए, सामने में आपको जो दिख रहा है पूरा घर मकान बना हुआ है, लोग रह रहे हैं। जस्ट बगल में आपका नथुपुर, ये सामने में दिख रहा है कि मेन जो है आपका 70 फीट IOCL रोड है। IOCL रोड से 2 मकान के बाद ये फ्लैट है आपका।
और ये आपका मास्टर बेडरूम है, तीसरा रूम और मास्टर बेडरूम है। ये देखिए 12x10 का ये भी आपका रूम है। मास्टर बेडरूम के साथ एक बालकोनी जो है, कवर्ड बालकोनी आपका अटैच है। और इसके साथ ये देखिए, ये आपका एक बाथरूम का एरिया हो गया। IOCL डिपो आपके जस्ट बगल में है। और यहां से एक दूसरा दरवाजा भी निकलता है जो कि डायरेक्ट आप बाहर जा सकते हैं। यानी कि ये अगर आप चाहें तो एक फ्लैट आप दो फ्लैट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, एक 2BH का फ्लैट, एक 1BH का फ्लैट, जो आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। अगर छोटा फैमिली है तो 2BH फ्लैट में रह सकते हैं, एक रूम का फ्लैट आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए कॉरिडोर का एरिया हो गया आपका। अभी हम पार्किंग से लेकर सारा चीज अभी दिखाने जा रहे हैं, वीडियो का लास्ट तक बने रहे। ये आपका एंट्रेंस गेट हो गया, एक सीढ़ी का एरिया आपका यहां हो गया। ये आपका कॉरिडोर हो गया, दो सीढ़ी एक लिफ्ट लगा हुआ है, एक लिफ्ट का स्पेस अभी छोड़ा हुआ है। कुछ फैमिलीज में रहना चालू कर दिए हैं। G+4 की बिल्डिंग है जिसमें चौथा फ्लोर पे आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर फ्लैट है। ये देखिए लिफ्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, चालू है। और ये आपका दूसरा सीढ़ी का एरिया हो गया।